नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त गेमर स्काई और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस वॉक थ्रू में जिसका नाम है पोकेमॉन अनबाउंड वर्जन 1.1.2। तो पिछली बार हम लोग यहां पोकेमॉन लीग में फाइनली आ चुके थे। बहुत लंबा सफ़र था विक्ट्री रोड से लेकर यहां तक आने के लिए। नियर अबाउट हमें 35 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लगा था यहाँ तक पहुँचने के लिए, मगर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे जाके मैंने सब कुछ जो नेसेसरी प्रिकॉशंस थे जैसे कि हाइपर पोशन, मैक्स पोशन, फुल रिस्टोर, इनका सब कुछ स्टॉकअप करके रखा है। और जो अननेसेसरी थिंग्स थी जैसे कि रेयर कैंडी हो गई और HP अप वगैरह वगैरह, वो सब कुछ बेच दिया। सिवे 3 चीज़ें भी रह गई है और मैंने हील भी कर लिया है, तो अभी हीलिंग की तो ज़रूरत नहीं है। मगर आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जहाँ से हमें स्नाइवी मिला था वहाँ से एक्चुअली हमें बाकी के 2 स्टार्टर भी मिलते हैं। तो जब आपके पास 4 जिम बैच हो जाएंगे तो आप वापस जाकर टॉक कर सकते हो उस लेडी से। रात के 8 बजे से पहले जाना पड़ेगा आपके, तो फिर से आप एक कोई तो स्टार्टर चूज़ कर सकते हो और फिर उसके बाद 7 जिम बैच होने के बाद फिर से जा सकते हो और बचा हुआ स्टार्टर भी आप ले सकते हो। अभी हमारे पास तो 8 बैचेस ऑलरेडी थे तो मैंने दोनों भी स्टार्टर ले लिए। और ये वो है जो डायनामैक्स पोकेमोन मैंने एक्चुअली पकड़े हैं। ये एक वो एक था जो हमें वो अलोलन नाइनटेल्स का इवेंट होने के बाद मिला था साइड क्वेस्ट, और ये सब डायनामैक्स डेन के बैटल थे। ग्रेवलर, जिंक्स, गिगालिथ, पेलिपर, ब्रॉन्जोंग, क्लिंग क्लैंग, हिप्पाडॉन, पैरासेक्ट, जेंगुस, उपा तो हमने ले लिया टीम में, और ये टॉरस भी उसी डायनामिक्स रेड बैटल का हिस्सा है। इन सबको ऊपर रख देता हूँ, लेजेंडरी को लास्ट रखता हूँ। और जो आइटम्स थे जो हम फिलहाल यूज़ नहीं कर सकते वो कुछ इस प्रकार है हमारे पास, सोलगेनियम जी, पिकानियम जी, वो सब ये दोनों भी मुझे डायनामिक्स डेन के बाजू बाजू ही मिले हैं। अल्टारिया नाइट, लॉकोनाइट, कैमराप्टाइट, गैरडोसाइट, चारेजाइट एक्स, मैनेक्टाइट, मेडिचमाइट, अबामासाइट, लेलियाइट, मावलाइट, एग्रोनाइट, एलाकाजाइट, एप्सोलाइट, एम्फोरोसाइट, सीजोराइट एंड पिजियोटाइट। अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बता दूँ तो पिजियोटाइट और एप्सोलाइट ये दोनों भी मेगा एवोल्यूशन के स्टोन रैंडमली, और किधर गया वो एबोमासाइट, या मैं रैंडमली वाइल्ड में मिल जाते हैं तो शायद एबोमासाइट नहीं है मगर मैं श्योर नहीं हूँ, मगर ये वाइल्ड में मिल जाते हैं, इनके लिए कोई स्पेसिफिक बैटल्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये जो है एम्फोरोसाइट, सीजोराइट, एलाकाजाइट, मावोलाइट, ग्लेलीटाइट, मेडिचमाइट, ये सब कुछ मेगास्टोन, ये गैरोडोसाइट और कैमराप्टाइट जैसे है। एक पर्टिकुलर ट्रेनर रहता है उसको हराने के बाद वो हमें दे देता है। चलो अभी इन सबसे टॉक कर लेते हैं फाइनल। ओके, वो सब हमें, ओहो ओके, सारे एलिट फोर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, वेल नहीं चाहिए मुझे। डू यू थिंक यू कैन बीट इट ओनली वन पोकेमॉन? यस, मालूम नहीं क्या है मगर मैंने यस कर दिया। द एलिट फोर आर अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर्स इन पोरियस। बिफोर फाइटिंग देम यू शुड नो वॉट यू आर अप अगेंस्ट। मोले मैन यूजेस क्राउन टाइप्स, एलियास यूजेस गोस्ट टाइप्स, एनिबल यूजेस फेरी टाइप्स एंड पेनी यूजेस ड्रैगन टाइप्स। ओके, तो इस हिसाब से हमें पोकेमॉन हमारे पास रखने हैं। तो ठीक है, डायरेक्टली अभी इस गार्ड से बात करते हैं। ट्रेनर, वंस यू पास थ्रू द डोर वे बिहाइंड मी योर पोकेमॉन लीग चैलेंज विल बिगिन, एंड वंस बिगन देर इज नो टर्निंग बैक अंटिल यू हैव क्लियर द चैलेंज। हैव यू हील्ड योर पोकेमॉन? हैव यू परचेज एसेंशियल आइटम्स? इफ सो यू मे बिगिन योर चैलेंज वेन एवर इट मोस्ट सूट्स यू। Demonstrate the power that brought you here and go for the glory. Okay, 3 जन है। ये ग्राउंड टाइप ट्रेनर मुझे शक्ल से ही दिख रहा है, तो मैं रखूँगा आगे हमारे वॉलरेन को। आई एम द मोली मैन, फॉर ईयर्स माई मोल पीपल एंड आई हैव लिव्ड बिलो ग्राउंड विद ओनली ग्राउंड टाइप पोकेमॉन एंड द अर्थ इटसेल्फ। नाउ फील द रैथ ऑफ द ग्राउंड एंड ऑफ द मोल पीपल सरफेस ड्वेलर। ओके, तो पहला एलिट फोर है बोरियस रीजन का, बच्चा लग रहा है मुझे ये एलिट फोर मोलेमैन। ओहो, डबल बैटल, ठीक है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। विशियस सैंड स्टॉर्म ब्रूड, आइस बीम यहाँ पर जाएगा, हम जाएंगे यहाँ पर लीव प्लेट के साथ। ओहो, अर्थ पावर ज़्यादा डैमेज देगा, स्पेशल डिफेंस फेल, एक्सकड्रिल जाएगा अर्थ क्विक के साथ।
अर्थक्वेक डैमेज नहीं देगा, मगर आइस बीम आपको जरूर डैमेज देगा। ग्लिस्कोर मैं रिस्क नहीं लूंगा, चुपचाप मैं एक मैक्स पोशन वॉलरिन के ऊपर यूज़ कर दूंगा। और सरपेरियर तुम जाओ गीगा ड्रेन के साथ। बैड चॉइस मोलेमैन, ये तो मुझे ट्रीट थी सरपेरियर के लिए। अर्थक्वेक कोई बात नहीं, मैं हील हो चुका हूँ तो टेंशन की बात नहीं। फिर से आएगा एक्स का ड्रिल, ओ सॉरी, अरे आइस बीम और लीफ ब्लेड एक्स, अरे बच गया हराम खोर साला, अरे गया रे। ठीक है एटलीस्ट मैंने ग्लिस्कोर को तो हरा दिया। वॉलरिन भी गया, लुकारियो और टायरेटार। द मोर पीपल नेवर गिव इन फील आवर रैथ सरफेस 12 और अस्पियर और क्रंच। ओके इजी था ये। यू हैव बीटन मी द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द ग्राउंड, आई द मोले मैन विल हैव माई रिवेंज समडे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मोल पीपल। यू हैव बीटन द बेस्ट ऑफ मोल मैन वाई आई बुरो इन टू द अर्थ प्रोसीड एंड बैटल द अदर मेम्बर्स ऑफ द एलीट फोर। ओके मैं पहले सबको पहले रिवाइव दे देता हूँ, दो ही है मतलब सब लोग नहीं है, दो ही है। ओके रिवाइवल और काम में आएगा बाद में, अभी नहीं, फिलहाल ये ही ठीक है। ये मुझे घोस्ट टाइप लग रहा है, शक्ल से ही घोस्ट टाइप लग रहा है मुझे ये। हाउडी नेम्स एलियास एंड बिफोर यू आस्क यस आई एम अ कोर्प्स पास्ड ऑन अ वाइल एगो बट देट कुडंट फाइंड अ रिप्लेसमेंट फॉर मी बिकॉज ऑफ द लाउज इकोनॉमी। आई ब्लेम ऑल दोज फोक्स डाउन इन एंटीसिस फॉर दैट बट दे हैड टू हैव फोर पीपल इन द एलिट फोर सो दे केम एंड डग मी आउट द ग्राउंड देन दे फिल्ड मी बॉडी विथ अ घोस्टली स्पिरिट सो नाउ आई एम बेयरली एबल टू मूव साय आई गेस वी शुड बैटल नाउ। ओके क्रीपी गाय एलिट फोर एलियस, चार पोकेमोन उसके पास भी, मिमिक्यू के साथ शुरुआत करेगा वो। हम शुरुआत करके टायरेनिटार के साथ। रिस्की बैटल स्वॉर्ड स्टैंस डिस्गाइज डिफेंस गया उसका। ठीक है मेगा एवोल्यूशन और क्रंच के साथ ही जाऊंगा मैं। ये तो टेंशन था मुझे, फेरी टाइप्स अटैक, ये अच्छी बात है हम सरवाइव हो गए। शेंडलूर इन्फर्नो हमने अवॉइड किया, अच्छी बात है ये। अरे इतना डैमेज मिला नहीं हमकर शेंडलूर को, फुल रिस्टोर एलियास ने तुरंत यूज कर दिया। हेक्स यूज कर रहा है, ठीक है इसी के साथ हमने हरा दिया है शेंडलूर को। वॉलरेन 82 पर, नेक्स्ट है एजी स्लैश, जाऊंगा जायकार्ड के साथ। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ मैं हरा पाऊंगा कि नहीं, मगर ट्राई करने में क्या। ओ बाप रे 77 शक्स थे। स्वॉर्ड स्टैंस ट्राई करेंगे क्रंच, अरे फास्ट है ज़ायगार्ड, ओ बाप रे। नाउ इज रेडी टू अटैक माय ज़ायगार्ड विथ सम क्रीपी अटैक्स लाइक शैडो स्नीक एंड ऑल। ओके टायरेनिटार लेट्स गो अगेन। अभी हम जाएंगे क्रंच के साथ, अपना किंग शील्ड यूज करें प्रोटेक्टेड।
ओके, हमने उसका डिफेंस भी कम किया, स्टांस चेंज किया फिर से। आयरन हेड हमारे अगेंस्ट इफेक्टिव है, बहुत कम एचपी बाकी है हमारी। फास्ट है, इफ यू नीड अ स्पीड आई विल गिव इट अ स्पीड टू यू। शैडो से कुछ असर नहीं। अरे बाप रे, स्टील और घोस्ट फाइटिंग टाइप के अगेंस्ट भी घोस्ट टाइप इतना अटैक पावरफुल है। नेक्स्ट है बैनेट, मेगा एवोल्यूशन रहेगा, 100% मेगा एवोल्यूशन रहेगा। ओ ग्रेट, वन पोकेमोन लेफ्ट। तुझे ग्रेट लग रहा है हरामखोर, मुझे लगा ही था मेगा एवोल्यूशन है। खेलो जरा मेरे टू कैनन के साथ, तब तक मैं हील कर लेता हूँ मेरे टायरेंटार को। थोड़ा काम कर दो मेरा तुम टू कैनन। थैंक यू सो मच टू कैनन। पंच, ये क्या अटैक क्या है ये, क्या मालूम। चलो कम से कम हरा तो दिया। सुपीरियरिटी 4। यू बीट मी। इफ आई वॉज एक्चुअली एबल टू मूव माई बॉडी ऑन माई ओन आई वुड शेक योर हैंड राइट नाउ। वेल यू हैव बीटन मी, आई कैंट ब्लेम दिस वन ऑन द लाउजी इकोनॉमी, सो जस्ट गो ऑन एंड फेस द रेस्ट ऑफ द एलीट 4। ठीक है, दो तो गए। रिवाइव दे देते हैं। अब एक फेरी टाइप बचा है और एक ड्रैगन टाइप बचा है, तो बेस्ट चॉइस अभी आगे रहने का है लुकारियो का। ड्रैगन टाइप भी आया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, और फेरी टाइप आया तो अच्छी बात है लुकारियो पॉइंट ऑफ व्यू। स्टील टाइप मूव है लुकारियो के पास, नहीं अभी रिपेल नहीं यूज़ करना इधर। ये फेरी टाइप है। हाय देयर फ्रेंड, I am the fairy princess Annabelle of the super magical fairy kingdom. My daddy used to be one of the elite 4, but he let me replace him when he quit. So let's have a battle in the gracious way of a fairy princess. Okay. एक baby girl के साथ हमारी battle. फिर भी मैं जाऊंगा steel type moves के साथ ही। मून ब्लास्ट इफेक्टिव है। अरे यार अभी मेरा अटैक बढ़ा, उसने स्पेशल अटैक कम कर दिया, मतलब क्या आया था। ओके 2084 पर। नेक्स्ट है अज्यूमरियल, ठीक है हाइपर पोशन दे देता हूँ तब तक लुकारियों को। हम भी स्विच कर सकते हैं, सिर्फ तुम्हें स्विच करना नहीं आता। टोगे किस गई, फिर से अज्यूमरिल, कॉइल यूज़ करता हूँ जरा, मैं अटैक इंक्रीज करता हूँ मेरा, और अब गीगा ड्रेन के साथ जाता हूँ। उसका डिफेंस इंक्रीज हुआ था ना, तो थोड़ा अटैक इंक्रीज करने का है मेरा। सुपीरियर को फिलहाल कोई डैमेज नहीं। लुकारियो 85 पर, जायगार्ड 71। नेक्स्ट है मावाइल, जो कि मेरे ख्याल से मेगा इवॉल्व होगी। वो फेरी टाइप भी है और स्टील टाइप भी, तो मेरे ख्याल से अर्थक्वेक सबसे अच्छा अटैक रहेगा। टी वी आर नॉट डन फाइटिंग येट।
यस आई नो, हमारे पास भी मेगा एवोल्यूशन है और मेरे पास भी मेगा एवोल्यूशन है। सकर पंच मोबाइल को तो हरा दिया हम लोगों ने। दैट वॉज सुपर लवली स्काई, आई हैड सो मच फन, यू एंड योर पोकेमॉन शुड कम टू आवर टी पार्टी। ये वंस यू आर डन विद बैटलिंग एंड स्टफ, रिमेंबर टू ब्रिंग योर सेल्फ एंड योर पोकेमॉन टू माई टी पार्टी, इट्स गोइंग टू बी सो मच फन। या इफ इट्स फन देन आई विल डेफिनेटली कम। लुकारियो को ही मैं आगे रहने देता हूँ क्योंकि अभी ड्रैगन टाइप एलीट फोर मेंबर है। हे आई एम पेनी एंड आई एम अ ह्यूज ड्रैगन टाइप पोकेमॉन फैन, लाइक दे आर जस्ट सो कूल विद देयर टेल्स एंड देयर विंग्स एंड देयर फायर ब्रीथिंग। डोंट बिलीव मी, कम ऑन आई शुड प्रूव इट टू यू। ओके सो लास्ट एलीट फोर मेंबर है पेनी, जो यूज़ करेगी चार पोकेमॉन। खुद घुटरा जैसी दिख रही है मुझे, लगा ही था मुझे कुछ तो गड़बड़ है इसमें, डबल बैटल थी। ओके ड्रैगन पल्स लीफ ब्लेड प्रोटेक्ट, ठीक है एटलीस्ट लीफ ब्लेड तो काम करेगा। ड्रैगन पल्स लीफ ब्लेड एक को तो हरा दिया कम से कम। वॉर पल्स कोमो ओ ड्रैगन पल्स लीफ ब्लेड, अभी वो प्रोटेक्ट यूज कर रहे हैं। अरे आराम को, दोनों प्रोटेक्ट यूज कर रहे हैं। टाइम एक कोई हराना पड़ेगा मुझे। हटरे काय प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट खेलता रे चूतिए लहान पोरार के। हाँ एक प्रोटेक्ट यूजर तो गया कम से कम। बस इधर है शायद, हाँ इधर है ना। कॉइल यूज करूंगा मैं, मेगा पेंडेंट को रिएक्ट हो रहा है सेप्टाइल, टू डिटेक्ट यूज कर मैं यूज करूंगा कॉइल। यहाँ पे यूज होगा हाइपर पोशन और एक और कॉइल यूज होगा यहाँ पर। हाँ अब शुरू होगा असली गेम। क्लैंक स्केल्स ओके फुल रिस्टोर मुझे लगा ही था। उसका डिफेंस जा रहा है, नहीं, गलती कर दी मैंने, फुल रिस्टोर यूज करना चाहिए था मुझे भी। आइस बीम ट्रिल पैक हश सरवाइव हुआ। वॉलरेन भी मुझे टेंशन था एक्चुअली। वॉलरेन 83 कोमो भी गया। वाह दैट वॉज प्रेटी इंप्रेसिव, आई गेस माई ड्रैगन स्टिल नीड टू गेट स्ट्रॉन्गर।
वावी, लुक्स लाइक यू बीट ऑल ऑफ द अस एलिट फोर. जस्ट गो थ्रू द सेंटर डोर एंड एंटर इन टू द हॉल ऑफ फेम. आई एम गोना गो टू ड्रैगन कॉन इन द मीन टाइम एंड गेट मोर ड्रैगन पैराफेरल. नहीं लिया. यू वॉन्ट मी टू पिक यू अप समथिंग. सबसे पहले हील कर लेता हूँ. कौन सा सरप्राइज कहाँ मिलेगा ये गेम में मुझे पूरा कुछ भी भरोसा नहीं है. तो मैं कंप्लीट तैयारी के साथ, अरे जाना यूज होना. अगर गलती से हमारा राइवल यांग्स आया तो वो टू कैनन यूज करेगा. मैं टायरेंटर को यहाँ के रखता हूँ. ओ जायगार्ड का सेल है यहाँ पर भी. 84% हो गया अभी. स्काई, आई कॉट अप विथ यू. आई वॉज फीलिंग डाउन आफ्टर अ क्लव गॉट अवे फ्रॉम मी, बट सिंस आई कॉट अप विथ यू आई एम स्टार्टिंग टू फील अ होल लॉट बेटर. व्हाई एम आई हियर? वेल यू सी, ग्रैंडपा आर्थर यूज टू बी द चैम्पियन ऑफ बोरियस, बट एवर सिंस ही रिटायर्ड द चैम्पियन सीट हैज़ बीन ओपन फॉर टेकिंग. दिस होल टाइम ग्रैंडपा आर्थर वॉज ट्रेनिंग मी टू रिप्लेस हिम बाय हैविंग मी फाइट अगेंस्ट इविल. I am sure that's why Professor Log had you run errands too. He and Grandpa Arthur always had a bit of a rivalry. Professor Log could never beat him a battle, ha ha. But since he has found a worthy challenger, someone I respect, this is going to be a fun battle. And to shake things up a little, we are going to do this 2-on-2. You ready? Let's go. Okay? So we are finally up against Jax. Staraptor and Golurk ke saath ja raha hai wo. इंटीमिडेट एबिलिटी. मैं जाऊंगा मेगा एवोल्यूशन और रॉक स्लाइड के साथ. और गोलर के ऊपर मैं यूज करूंगा लीफ ब्लेड. यू टर्न नर्व. ठीक है, हैवी स्लैम यूज कर रहा है. गीगा ड्रेन. बहुत क्लोज. हट रे, 1 HP. ओके, फायर और भी गया. सुपीरियर 85 पर इसी के साथ. बार बार भागने ही वाला है लगता है ये बैटल में से. सेलेमेंस सेलेमेंस साइट. फ्लेम थ्रोवर. ओके, मैक्स पोशन. मैक्स पोशन. अर्थक्वेक. अरे अर्थक्वेक से कुछ नहीं होगा. नहीं, मैग्नेजॉन तो जाएगा ना. लेविटर एबिलिटी नहीं होगी तो. नहीं, बलून है ना, एयर बलून कुछ तो. छोड़ो. रॉक स्लाइड. गीगा ड्रेन. बस मैंने मेरा काम कर दिया. सेलेमेंस जाएगा उसमें. मैग्नेजॉन ने सुपीरियर को भी हरा दिया.
रॉक स्लाइड, मैं यूज करूँगा ऑरा स्पियर। यूटर्न का चांस ही नहीं है अभी। अरे कितनी बार इंटिमिडेट करेगा रे ये भसड़ी सा। क्लोज कॉम्बैट अभी। वॉल ड्रेन ठीक है, रॉक स्लाइड और इसको करो आइस बीम। स्टार अप्टर तो गया, 10885 और इसी के साथ अच्छा मैं हील करके आया। लेट्स डू दिस, वी कैन स्टिल कम आउट ऑन टॉप। चांस ही नहीं है, पी के आया क्या? Wow, Sky, I was right. Professor Locke did pick over the challenger. You are now the new champion of Boreas. Congratulations. That was a great battle, Sky. I'm glad I got to take part in the crowning of Boreas' new champion. Now please come with me. We are going to a place where only champions get to go. This room is the Hall of Fame. It's been a long time since I last entered this room. Grandpa Arthur brought me here when I was younger, but I haven't been since. Anyway, Sky, welcome to the Hall of Fame. Your name will be recorded for posterity here. What you are leaving are the memories of your journey so far. It's time to record your names and your Pokemon. Remember, your Pokemon are partners that grow with you through many hard-fought battles. This machine will make a permanent record to your achievement. Okay, game to save ho gaya. Superior to Cannon, Waldrain, लुकारियो और जायगार्ड, ये है हमारी हॉल ऑफ फेम। वीक चैंपियन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके ये शायद क्रेडिट्स रहेंगे, एंड क्रेडिट्स। ये गुडरा कहाँ से आई? ओके कम ऑन, अनबाउंड वर्जन, डायरेक्टर स्केली, बैटल इंजन कंप्लीट, फायर हेड अपग्रेड, अटैक एनिमेशन बहुत जन है, बैटल ग्राफिक्स में बहुत जन है। स्प्राइट डिज़ाइन में बहुत जन है, पजल डिज़ाइन, स्टोरी खुद स्केली की अच्छी बात है, मैप डिज़ाइन भी बहुत जन है, म्यूजिक कंपोजिशन भी बहुत जन है, ग्राफिक डिज़ाइन, बैटल फ्रंटियर स्प्रेट्स, स्पेशल थैंक्स। कंप्लीट फायर रेड अपग्रेड, मेरे ख्याल से सिर्फ लेजेंडरी हंटिंग बचती है गेम में, बाकी कुछ है नहीं क्योंकि पूरा रीजन एक्सप्लोर हो चुका है। ऐसा नहीं कि ईस्ट बोरियस हमने छोड़ दिया था एलिट फोर में आने से पहले, अभी वो बाकी रहेगा पहले एक्सप्लोर करने का, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक ही वो अननोन पार्ट है, वो हमें एक्सप्लोर करना है फिर भी, तो खैर हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगा लेजेंडरी पोकेमोन अल्ट्रा बॉल वगैरह में ही पकड़ने की, तो मुझे पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा और फिर मैं वॉइस ओवर दूंगा। मुझे वो जिस जिस लेजेंडरी में टाइम लगा होगा वो पार्ट में के साथ बीच में कट कर दूंगा, तो मेरा जो लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ने के टाइम जो गुस्सा मेरा ऊपर नीचे होता है वो ज़रा कम होगा, क्योंकि तो पहले रिकॉर्ड करूँगा बाद में वॉइस ओवर दूंगा, तो वॉइस ओवर में गुस्से का कुछ चांस ही नहीं है।
तो ये दी एंड तो नहीं है, हम फिर से आएंगे पोस्ट गेम के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक कर देना, अगर मेरे चैनल पर नए हो, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।